फर्स्ट के बी में एफई एससीएन होल्ड ट्वाइस क्या बना रहा है, एफई थ्री प्लस सल्फेट कार्बोनेट नाइट्रेट, सही है? यस सर। अब तुम्हें हर एलिमेंट का चेंज देखना पड़ेगा किसमें कितना चेंज हो रहा है। तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो क्लियर है, सही है? ये समझ yes. अब इसमें डाउट जो आएगा वो आएगा कि भाई इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखते हैं। आयरन का तो बी प्लस टू लिख लोगे रिएक्टेंट साइड में, एससीएन में तुम्हें डाउट आएगा कि अब सल्फर का क्या, कार्बन का क्या, नाइट्रोजन का क्या, बॉन्डिंग बनाऊं ब्रेक करूं, करेक्ट? यस सर। लेकिन उससे कोई जरूरत ही नहीं है। देखो प्रोडक्ट साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है, yes, तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। Agreed? Yes, sir. कार्बन की प्लस फोर है, तो कार्बन की मैक्सिमम है। प्लस फोर, यस सर। नाइट्रोजन की प्लस फाइव है, जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम है। आयरन की प्लस थ्री है, जो आयरन की मैक्सिमम है। तो प्रोडक्ट साइड में सारे एलिमेंट्स अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यस सर। तो मतलब आई कैन से कि इसमें सारे एलिमेंट्स FeSCN2 के ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या उनमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो ऐसी सिचुएशन में हम सारे ऑक्सीडेशन चेंजेस को ऐड करते थे, ओके? अब एक एक इंडिविजुअल ऐड करें, हर एक का मतलब हर एलिमेंट का चेंज निकालूं और फिर उसको ऐड करूं, उसका एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, स्टार्टिंग का टोटल निकाल लूं, फाइनली टोटल निकाल लूं और टोटल को सब्ट्रैक्ट कर लूं, यह भी तो कर सकते हैं ना? हाँ सर। तो इनिशियल टोटल कितना होगा, जीरो, क्योंकि भाई FeSCN2 तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना? यस सर। फाइनली टोटल कितना होगा, एक आयरन दो सल्फर दो कार्बन दो नाइट्रोजन, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का फाइनल टोटल करोगे तो 33 आ रहा है, करेक्ट? तो एन फैक्टर क्या हो गया, 33, क्लियर? यस। समझ में आ गया भाई क्या कह रहे हैं? देखो इस कंपाउंड में एक आयरन का एटम है, दो सल्फर के एटम है, दो कार्बन दो नाइट्रोजन, करेक्ट? यस सर। इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम नहीं, फाइनली तो मालूम है, सही है? यस सर। फाइनली सबका टोटल 33 है, यस। इनिशियली जो भी हो ये वैल्यूज, टोटल तो जीरो है ना? यस यस सर। डिफरेंस कितना हो गया, 33। तो बस वही एन फैक्टर, समझ गए? यस सर। बाकी भी अब इसी तरह कर लोगे फर्स्ट मैट्रिक्स के बाकी पार्ट। चलिए सेकेंड मैट्रिक्स पे कोई डाउट है सर? सी और डी एक कर देंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में सब डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन या कॉम प्रोपोर्शनेशन, करेक्ट? सर कॉम प्रोपोर्शनेशन मतलब, देखो बेटा जब इस तरह का हो ना, एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, और जब एक एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से
एक ऑक्सीडेशन स्टेट में आए, इसको कहते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन। भाई प्रोपोर्शनेशन की डेफिनेशन याद है ना आपने को, व्हाट इज प्रोपोर्शनेशन? व्हेन सेम एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ओके यस सर। सर थर्ड वाला कर दो, मतलब सी एक बताओ पढ़ो क्या है सी वाला। सर MnO4 माइनस प्लस MnO4 माइनस प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस H2O फॉर्म्स Mn3O4 प्लस H प्लस। वो तो लिखने की जरूरत है, इसमें करना क्या है हमें n फैक्टर निकालना। यस सर। तो अब ये है कॉम प्रोपोर्शनेशन, दिस इज कॉम प्रोपोर्शनेशन। मतलब देखो इसमें मैंगनीज प्लस 7 में है, यस सर, में और यहाँ कितने में प्लस 8/3 में, तो मैंगनीज ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंगनीज ही रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट? यस सर। यस सर। और दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से वो लोग सेम स्टेट पे आ गए। ओके, तो अब इसको इसका एन फैक्टर का फॉर्मूला बताया था ना, 1/n factor ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 2 से 8/3 में जा रहा है। यस सर। तो NFO क्या होगा, 8/3 - 2, और इसके एक मॉलिक्यूल में मैंगनीज के कितने एटम है, 3, करेक्ट? तो यस सर। हो गया 2 प्लस NFR क्या होगा, 8/3 - 7 का मॉड इंटू 3, कितना हो गया ये, 1/13 का इनवर्स 26/50। समझ गया कैसे करोगे? तो उसके नेक्स्ट में पीएच थ्री और एच थ्री पीओ फोर, मतलब वो सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। पीएच थ्री और एच थ्री पीओ फोर सेम कहाँ है, मतलब पी का वो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है बेटा। पीएच थ्री में माइनस 3 है, एच थ्री पीओ फोर में प्लस 5 है। यस सर। हो गया, मैट्रिक्स 2 क्लियर है? यस सर। सर इसका और एक कर सकते क्या? कौन सा करते हैं बताओ? 4। क्या है 4 में, क्या है? H3PO2 gives you PH3 plus H3PO3. H3PO3, तो इसमें फास्फोरस का कितना है, प्लस 1, यहाँ माइनस 3 और यहाँ पे है प्लस 3। तो ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो NFO क्या होगा, 3 - 1 × 1। NFR क्या होगा, -3 - 1 × 1। वन फैक्टर क्या होगा, 1/NFO प्लस 1/NFR का इनवर्स, ठीक है? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब बताओ आगे क्या करना है। पैसेज 3, सो थर्ड वाले का KOH का कैसे आएगा? थर्ड वाले में KOH का कैसे आएगा, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, KOH तो स्पेक्टेटर है, सर, उसमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे n फैक्टर कैसे निकालते हैं?
यही दिक्कत है ना? यस सर। एन फैक्टर का और इन सब का मतलब मैंने लास्ट क्लास में सबको क्या समझाया था, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लग रहा है, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो जो रिएक्शन दिया है पहले बैलेंस करते हैं। ये रिएक्शन दिया था ना, Br2+KOH goes to KBr+KBrO3+water, ठीक है? ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है ये। यस सर। ओके सर, ये केस में बैलेंस करना जरूरी है मतलब? देखो अब यही मैं बता रहा हूं, तो क्या कर सकते हो इसमें, केबीआर का एन फैक्टर निकालने को कोई कहता तो वन सीधे जीरो से वन आ रहा है, करेक्ट? यस सर। हाँ सर। KBrO3 का एन फैक्टर 5। यस सर। Br2 के लिए फॉर्मूला लगेगा 1/NFO+1/NFR का इनवर्स 10/6। यस सर। ओके, तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। अब बात है कि भाई KOH का कैसे निकाला जाए, क्योंकि उसमें तो सबका कांस्टेंट है, किसी का चेंज ही नहीं हो रहा है इनफैक्ट। ओके, तो इसके लिए ये सबसे पहले बैलेंस कर लो। बैलेंस करते हैं, बैलेंस कैसे होता है, Br2 goes to 2KBr, ठीक है? इसका डेल्टा ओएन माइनस 2, इसका डेल्टा ओएन प्लस 2, ठीक है? यस सर। अब तुम्हें क्या करना था इसमें, अब क्या करते हैं बैलेंसिंग में? सर ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई। क्यों क्यों करते हैं वो? सर वो चार्जेस ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने, डेल्टा ओएन बैलेंस करने के लिए। डेल्टा ओएन हम क्या बैलेंसिंग से क्या चीज करते हैं वो समझो, डेल्टा ओएन की बैलेंसिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग, ठीक है भाई? डेल्टा ओएन 10 लिखा है सेकेंड रिएक्शन में, उसका मतलब यह है कि उस हाफ रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और दूसरे रिएक्शन में डेल्टा ओएन क्या लिखा है पहले रिएक्शन में, मतलब माइनस टू, मतलब उस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन में बने उतने ही कंज्यूम होने चाहिए ना, इसीलिए yes, रिएक्शन को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। तो अब इसमें क्या हो गया, पहले रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, दूसरे रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, ठीक है? अब हम ऐड करते हैं 6Br2+2KBr+2KBrO3 spectator balance 12KOH hydrogen balance 6H2, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? यस। अब इस पूरे रिएक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इस रिएक्शन में? 10 इलेक्ट्रॉन्स। उस 10 इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, उस 10 इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए केबीआर के कितने मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं? 10
मतलब केबीआर के एक मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। यस सर करेक्ट। तो अब अगर मैं केबीआर के लिए निकालू पर मोल केबीआर कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा? वन वन। यस टेन बाई टेन। अग्री। यस सर। KBrO3 के कितने लग रहे हैं? दो मोल से दस मोल हो रहा है तो इसके पर मोल कितना हो रहा है? फाइव। यही नाइन के एन फैक्टर। यस सर। तो KOH का क्या हो जाएगा? दस मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए कितने लग रहे हैं? ट्वेल्व। ट्वेल्व ठीक है। यस सर। समझ गए? तो कभी भी बिल्कुल फंस जाओ समझ में नहीं आ रहा आप इसमें एन फैक्टर कैसे निकालो तो क्या करना है, बस सीधे से बैलेंस कर दो रिएक्शन को। ओके बैलेंस करने के बाद क्या करोगे? जितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना तो जो डेल्टा ओ एन लिखा हुआ है बैलेंस उस नंबर को डिवाइड कर देना है किससे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ठीक है। यस सर। यस सर। नोट कर लो। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन क्लियर हो गया है ढंग से? सर आप लास्ट सेकंड से फिर से बताओ नहीं सर। मैं कह रहा हूँ इस रिएक्शन में टोटल 10 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। यस सर। इतना क्लियर है ना? यस सर। और उस 10 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए तुम ये देखो किसी भी मॉलिक्यूल के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं। तो नाउ इफ आई सी केबीआर का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बताओ इस रिएक्शन में? टेन। मतलब केबीआर के 10 मोल लग रहे हैं, 10 मोल केबीआर से कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है? एक मोल। नहीं बेटा 10 मोल से 10 मोल हो रहा है ना। हाँ यस सर। 10 मोल से 10 मोल मतलब एक मोल केबीआर से एक मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? हाँ यस। तो केबीआर का एन फैक्टर हो गया वन। समझे? तेरा KBrO3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आया बैलेंस रिएक्शन? टू। मतलब दो मोल KBrO3 से 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल KBrO3 से कितने इलेक्ट्रॉन? पांच। ठीक है। तो उसका एन फैक्टर हो गया फाइव। अग्रीड? यस। अब इसी तरह Br2 देखते हैं तो Br2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सिक्स। मतलब 6 मोल लग रहे हैं फॉर 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? 10 बाय 6। समझ गए सारे? यस सर। वाटर का एन फैक्टर ऐसा कुछ होता है मतलब? क्या? वाटर का, वाटर का निकाल लो। वाटर के कितने मोल्स लग रहे हैं? छह। वाटर के हाँ छह। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? दस। दस टेन बाय सिक्स। वेरी गुड। तो वही मैंने बोला ना किसी का भी एन फैक्टर निकालना है क्या करोगे सिंपली? तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाला है ना उसको बस डेल्टा ओ एन से
यार सॉरी डेल्टा ओ एन को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, ठीक है? यस ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो नेक्स्ट चीज अब स्टार्ट करते हैं, जब एन फैक्टर निकालना आ गया, लेट्स स्टार्ट विद वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन। वॉल्यूम मेजरिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो कैसे करते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन? हम लोगों ने आयनिक में भी डिस्कस किया था कि हम एक सॉल्यूशन को लेते हैं बीकर में, मान लो बीकर में है सॉल्यूशन ए, और एक सॉल्यूशन को लेते हैं ब्यूरेट में, मान लो सॉल्यूशन बी, करेक्ट? अब हम सॉल्यूशन बी को ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन ए में डालते जाएंगे, करेक्ट? Yes. कब तक डालते जाते हैं? जब तक दोनों को मॉलिक्यूल ना इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं रीच, तक इक्विवेलेंस पॉइंट रीच नहीं होता है। और हमें कैसे पता लगेगा इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो गया? इंडिकेटर का कलर चेंज, वो इंडिकेटर कलर चेंज कर देंगे। तो जब तक इंडिकेटर का कलर नहीं चेंज होता है, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे, करेक्ट? यस सर। Yes. और जैसे ही इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, वी विल स्टॉप द ब्यूरेट, करेक्ट? यस सर। ओके, ब्यूरेट बंद कर देंगे और फिर हम मेजर करेंगे कि अब तक हमने कितना बी यूज किया। जितना बी यूज किया उस हिसाब से हमें बी के लिए उसका वॉल्यूम मालूम होगा, मोलैरिटी मालूम होगी, और बी जितना हमने डाला वो सारा बी ए से रिएक्ट किया है, करेक्ट? Yes. और ए भी खत्म हो गया, तो व्हाट आई कैन से बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, दैट इक्विवेलेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी, करेक्ट? यस और नो? यही तो था ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जो दो चीजें आप एक रिएक्शन में जितनी स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं उन सबके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, करेक्ट? तो अब अगर इसमें से हम एक की मेजरमेंट कर ले, मान लो बी के बारे में मेजरमेंट कर ले, तो हमें ए के बारे में भी पता चल जाएगा, करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम मेजरिंग एक्सपेरिमेंट या वॉल्यूम मेजरिंग टाइटेशंस। तो इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी, या जनरली हम लोग वर्क करते हैं मिली इक्विवेलेंट में। मिली इक्विवेलेंट मतलब 1000 ऑफ अ इक्विवेलेंट, जैसे 1000 ऑफ अ मोल मिली मोल होता है, करेक्ट? yes. अच्छा, अब इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे कैसे? निकाल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट निकालने का सबसे बेसिक तरीका तो उसका जो गिवन मास है उसको मास अपॉन इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट तो अब निकालना आता है ना हम लोगों को। Yes. क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर गिवन मास। तो इक्विवेलेंट वेट को मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ठीक है? यस। अच्छा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल्स। मोल्स, यस। तो इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर मोल्स इनटू एन फैक्टर, यस, सही है? मोल्स को मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो इक्विवेलेंस मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर,
ओके यहीं पे अब हम लोग एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मैलिटी क्या होगा? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ओके तो इक्विवेलेंस निकालने के तरीके समझ में आ गए। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। क्या चीज? कौन था ये लास्ट का? नॉर्मलिटी वाला। नॉर्मलिटी डिफाइन कर रहे हैं। अब नॉर्मलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ओके ओके सर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को ऊपर से देखो क्या लिख सकते हो? मोल इनटू एन फैक्टर एंड अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी, ठीक है। यस सर। तो आप इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं आराम से। तो चलो अब हम लोग इसके टिपिकल प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे प्रॉब्लम टाइट्रेशन के आएंगे। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट टुडे विथ रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक चीज ऑक्सीडाइज होगी, एक चीज रिड्यूस होगी, करेक्ट? Yes, sir. और दोनों के मिली इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अ सैंपल ऑफ के आई। देखो अब इसके प्रॉब्लम अटेंड करने कैसे हैं। इज डिसॉल्व्ड in 50 ml water this solution is titrated with 0.1 molar acidic MnO4 minus solution. 20 ml MnO4 minus solution is required to reach end point. Find mass of KI sample, ठीक है। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो अब प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो तुम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इस प्रॉब्लम में। तो क्या रिएक्शन है इसमें? KI प्लस MnO4 माइनस कर रहा है MnO4 माइनस से एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो नाउ जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसके लिए तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके बुकलेट के थ्योरी पार्ट में यू कैन सी दैट लिस्ट इज गिवन That common oxidizing or reducing agents क्या बनाते हैं? Okay? Like MnO4 minus,
is a very common and one of the strongest oxidizing agent. Acidic medium mein it makes Mn2+. Basic medium mein it makes MnO2. And in neutral medium or strongly alkaline medium, neutral or strongly alkaline, it makes MnO4-. ठीक है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, अदरवाइज वैसे ही हम वॉल्यूमेट्रिक का प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे. ओके, ठीक है. Yes, yes, इसी तरह कोई भी हलाई जब उसको ऑक्सीडाइज करो तो नॉर्मली रिस्पेक्टिव हैलोजन बना देता है. ओके, तो अब इसमें क्या रिएक्शन होगा, देखो MnO4- रिड्यूस होगा, करेक्ट. यस सर. आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनेगा, I2, और MnO4- बनेगा Mn2+. ठीक है, वंस यू हैव डन दिस मच नाउ राइट द इंफॉर्मेशन गिवन. तुम्हें इसकी मोलारिटी दी है 0.1 मोलर, इसका वॉल्यूम दिया है 20 mm, और के आई का ढूंढना है. के आई हमने मान लिया एक्स मिली मोल है सैंपल में. इसके बाद दोनों के एन फैक्टर्स लिखो. नाउ कैन यू टेल मी एन फैक्टर्स ऑफ दीज बोथ थिंग्स. के आई का 2, कैसे 2 निकाला बेटा, और 1 होगा ना, 1 होगा, 1 है, कैसे 1 आएगा, एक ही आयोडीन एटम तो है के आई में. ओके, और MnO4 का 5. ओके, यस, दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे, तो के आई के इक्विवेलेंट्स कितने हैं, उसके मोल्स इनटू एन फैक्टर, MnO4 के लिए मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, तो के आई के 10 मिली मोल आ गए. अब मास निकाल लोगे 10 मिली मोल का, 10/1000 इनटू 166. समझ में आया प्रॉब्लम कैसे करते हैं. क्लियर है ये. यस, हो गया, नोट कर लिया. यस सर, 1 मिनट सर. डन सर. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और बढ़ाते हैं. अ सैंपल ऑफ KI इज डिसॉल्वड इन 100 ml वाटर. Fifty ml portion of this solution is titrated with 10-dichromate solution.
द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्स 20 ml 0.1 molar acidic thiosulfate for complete reaction. Find mass of sample. अब क्या रिएक्शन होंगे इसमें बताओ. Ki plus Cr2O7. मैं लिख देता हूँ Cr2O7 अगेन अ वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हर मीडियम में बनाता है थायोसल्फेट Cr3+ और थायोसल्फेट एसिडिक मीडियम में बनाता है S4O6-2-, बेसिक मीडियम में बनाता है SO4-2-, और एक आएगा ऑक्सलेट. ऑक्सलेट आयन एसिडिक मीडियम में बनाता है CO2, बेसिक में कार्बोनेट. ये सब शायद बुकलेट में गिवन है. मिला बुकलेट में वो टेबल जहाँ पे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं. Yes, sir. हम लोग को मेनली इनकी जरूरत पड़नी. ओके हाँ, तो अब रिएक्शन बताओ क्या होंगे इसमें. हाँ बोलो. प्रीवियस पेज पे जाओ. नेक्स्ट पेज. तो इस पेज में सर हम लोग H2O3-2- और C2O4-2- में सर न्यूट्रल मीडियम में क्या देगा बताइए. ये लोग खुद ही एसिड का पार्ट होते हैं, एसिड या बेस का है. इनको डालोगे पानी में, न्यूट्रल रह ही नहीं पाएगा सोल्यूशन. क्या रिएक्शन होंगे. Ki+Cr2O7-2-. Ki+Cr2O7-2- goes to Cr3+. I2. ये पहला रिएक्शन हुआ करेक्ट. यस. अब I2+S2O3-2- goes to S4O6. इससे जो I2 निकला उसको S2O3-2- से रिएक्ट करा के बनाया S4O6 और I2 का I-. अब सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आयोडीन को रिड्यूस होना पड़ेगा. करेक्ट. यस. ठीक है. यस सर. ठीक है. यहां तक क्लियर. अब इसमें इंफॉर्मेशन किसकी दी है तुम्हें. इसके बारे में ये बताया है तुम्हें थायोसल्फेट की दी है करेक्ट. और तुम्हें कैलकुलेट किसका करना है. Ki का. Ki अगर मैंने सैंपल में x मिलीमोल्स माना है करेक्ट, तो सैंपल को हमने कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया था. 100 ml. और फिर हम रिएक्शन में कितना ले रहे हैं उसका पोर्शन. 50 ml. 50 ml ओनली करेक्ट. मतलब आधा ले रहे हैं करेक्ट. तो अगर सैंपल में मैं मानू कि x मिलीमोल्स हैं तो हमने रिएक्शन में कितना लिया है फिर. x by 2 मिलीमोल. तो अब ये दोनों तो जो चीज हमें दी गई है
और जिस चीज के बारे में हमसे पूछा गया है वो तो अलग अलग रिएक्शन में, तो कैसे प्रोसीड किया जाए? सो आई टू फाइंड करेंगे सेकंड रिएक्शन से। ठीक है, फिर सर फिर वो आई टू का जो वैल्यू आएगा वो फर्स्ट रिएक्शन में पुट अप कर दूं। तो भाई तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि सेकंड रिएक्शन में थायोसल्फेट और आयोडीन का इक्वल होगा? हाँ सर। और फर्स्ट रिएक्शन में आयोडीन और केआई का? आयोडीन और केआई का इक्वल। ये सीधे सीधे ये कह दूं ना केआई और थायोसल्फेट का इक्वल है। हाँ सर। तो एन फैक्टर लिख लेता हूँ, दोनों के एन फैक्टर्स बताइए जल्दी, बताओ एन फैक्टर। सर केआई का x बाय टू मिलीमोल क्यों लिखा? वो कि उसको 100 ml में डिसॉल्व करके रिएक्शन में हम केवल 50 ml ले रहे थे। यस सर। केआई का n फैक्टर 1। केआई का n फैक्टर 1 अग्री। थायोसल्फेट का? थायोसल्फेट का भी 1। ठीक है, ओके। यस सर। तो अभी क्वेट कर दो सीधे सीधे, क्या आ जाएगा? एक्स बाय टू इंटू वन इज 20 इंटू 0.1 इंटू 1। ठीक है, तो एक्स कितना आ गया? 4 मिलीमोल। तो मास निकाल लोगे, सही है? ओके, यस। चले आगे, चलो एक इसी टाइप का प्रॉब्लम और कर। लास्ट पेज चलो ये प्रॉब्लम करो जरा।
आया आंसर इसका? जस्ट अ मिनट सर, देखो अब इस प्रॉब्लम के रिएक्शंस क्या होंगे? I2 plus Mn2 plus ठीक है, और फिर I2 plus Cr2O7 = IO3 minus Cr3 plus अब इसमें सिमिलरली स्टार्ट करें तो ये 15 ml दिया है, 0.1 मोलर, n फैक्टर 6, ठीक है? 6, yes sir, yes sir. और इसका अगर मैं सैंपल में x मोल मिली मोल x by 5 और n फैक्टर 1, लेकिन इसमें आपको याद ये रखना है कि भाई अभी सीधे इक्वेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं ये ध्यान दो जरा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीवीएस एग्जांपल में जितना I2 पहले रिएक्शन में बन रहा था वही दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा था, करेक्ट? पहले रिएक्शन में yes, पहले रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर क्या था बताओ? जीरो और दूसरे रिएक्शन में एन फैक्टर कितना आया I2 का? टू ही आया। तो भाई व्हेन यू से जितना I2 पहले रिएक्शन में बना उतना दूसरे में रिएक्ट होगा, मतलब जितने मोल्स आयोडीन के पहले रिएक्शन में बने उतने मोल्स दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट होंगे, करेक्ट? एन फैक्टर भी सेम है तो और मोल्स भी सेम है तो इक्विवेलेंट भी दोनों रिएक्शन में सेम होंगे, करेक्ट? यस और नो? क्लियर है? यस सर। यहां पे देखो इस रिएक्शन में एन फैक्टर आयोडीन का कितना है? 2। और इस रिएक्शन 10। और आयोडीन के मोल्स दोनों रिएक्शन में सेम है, एन फैक्टर अलग अलग है, तो क्या इक्विवेलेंट सेम होंगे? नो सर, नहीं होंगे। तो यहां अगर तुमने के आई और डाइक्रोमेट को डायरेक्ट इक्वेट कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा, क्लियर? यस। आगे कैसे आप प्रोसीड करेंगे? हम अज्यूम करेंगे लेट से इसके बी मिली मोल्स यहां बने, तो वही बी मिली मोल्स यहां रिएक्ट होंगे, तो अब सेकेंड रिएक्शन से क्या इक्वेशन लिखेंगे? बी इंटू 10 इज 15 इंटू 0.1 इंटू 6, तो बी आ गया 9/10। अब पहले रिएक्शन से x बाय 5 इंटू 1 is B into 2, correct? तो x आ गया 9/10 into 2 into 5, 9 मिली, ठीक है? समझ में आया? Yes। तो भाई ये बहुत important और बहुत common mistake है, हम लोग जो कॉमन स्पीशीज है उसका एंड फैक्टर देखा करो दोनों रिएक्शन में, वो अगर इक्वल है जैसे इसमें था तो हमने डायरेक्टली के आई को थायोसल्फेट से इक्वेट कर दिया, करेक्ट? ओके,
कर लिया नोट? चले आगे। यस होम असाइनमेंट टू कर लिया था ना आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. One or three नहीं किया था। चलो इसके आप एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सुनो, होमवर्क के लिए कंप्लीट होम असाइनमेंट 1 and 3। ओके? Yes. तू डिस्कस कर लिया था क्लास में होम असाइनमेंट 2? हाँ सर। Yes sir. ठीक है, तो होम असाइनमेंट 1 और 3 होमवर्क में करो। ओके श्योर। क्या बोलो? अभी पूछे सर केमिकल काइनेटिक्स के डाउट जो है टेस्ट है ना। बोलो सर। बुकलेट में से एक सेंस आपको बुकलेट बोलते हैं। कल टेस्ट है तुम लोगों का? हाँ सर, कल टेस्ट है। बोलो बोलो। सर सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सर क्वेश्चन नंबर 10 आपने डिस्कस किया था, लेकिन सर मुझे नहीं समझ रहा ये बात कि हेलो। बोलो। हाँ सर, आपने वो इक्वेट कैसे किया था उस थिकनेस को? सो नहीं समझा था सर। 10th क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था क्लास में, सो वो नहीं समझा मुझे कैसे किया। अगर एक कंपाउंड जितना ये एक सॉलिड है, यस इसके ऊपर इसका ऑक्साइड बन रहा है, यस जितना ज्यादा ऑक्साइड बनता जाएगा ये लेयर उतनी थिक होती जाएगी। ऑक्साइड लेयर की जो थिकनेस है वो ये कितने मोल्स बने हैं? शब्द का वॉइस ब्रेक हो गया था, वापस बोल सकते हो प्लीज? सर क्या बोला आपने? फर्स्ट म्यू प्योर माइक। मैं ये कह रहा हूं जितना ज्यादा ऑक्साइड बनेगा ये लेयर उतनी थिक होगी, तो इस लेयर की थिकनेस क्या बताएगी कि कितने मोल्स ऑक्साइड बन गया है? ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के जितने मोल्स बन गए हैं उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव ही तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। हाँ सर समझ गया, ये सब हो जाएगा। गुड डाउन। So, फिर सर इसमें सर क्वेश्चन नंबर उसमें भी डाउट है 16th सर। क्या है 16th क्वेश्चन? सर फॉर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन A गैस गोज टू 2B एंड C K1 K2 इनिशियल प्रेशर ऑफ कैपेसिटी V लीटर्स इज 1 atm, प्रेशर एट टाइम T इक्वल टू 10 सेकंड्स इज 1.4 atm and after infinite time becomes 1.5 atm. Find the rate constant K1 K2 for the reaction. यार A से 2B बन रहा है, C बन रहा है। Yes sir. Equal to zero पे A का pressure 1 atm है, B C के zero होंगे। T infinity पे पूरा A react हो जाएगा, A का तो zero बचेगा। करेक्ट? यस। अब मान लो इस ब्रांच में ए एक्स रिएक्ट हुआ तो इस ब्रांच में 1 माइनस एक्स रिएक्ट होगा।
यस तो B का प्रेशर कितना बनेगा 2x C का 1 माइनस x यस टोटल प्रेशर इंफिनिटी पे कितना हो गया 2 माइनस x प्लस सॉरी 2x प्लस 1 माइनस x और ये दिया है 1.5 यस तो x आ गया 0.5 मतलब ए दोनों ब्रांच में बराबर रिएक्ट कर रहा है yes. मतलब k1 इज इक्वल टू k2 और नेट रेट कांस्टेंट फिर k1 प्लस k2 को मैं 2k लिख सकता हूं यस विल बी 1 अपॉन टाइम ln प्रॉपर्टी एट इंफिनिटी माइनस 0 अपॉन प्रॉपर्टी एट इंफिनिटी माइनस प्रॉपर्टी एट टी सर मुझे भी दो क्वेश्चन में डाउट है पूछो सर एडवांस लेवल का वो 19 कर सकते हो मैंने तुमसे पहले अभी कौन किसने पूछे थे दो क्वेश्चन और बोलो मैंने पूछा था एन एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स मिनिमम बीटा एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ वो न्यूक्लियर में करेंगे लीव दैट सर और एक क्वेश्चन था वो न्यूक्लियोडिक रेशियो वो भी उसमें करेंगे मतलब वो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स वगैरह वाला वो भी न्यूक्लियर में सर एक और क्वेश्चन है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एट 300 के इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ 36 बाय हाउ मेनी किलोजूल्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलाइज्ड पाथवेज इज लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओरिजिनल पाथवेज भाई कैटलिस्ट कितने फैक्टर से रेट बढ़ाता है यस सर और ये तो मैं 36 दिया है तो डेल्टा ई ए पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिफर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल तो इट इज क्वाइट अनस्टेबल एंड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डेल एफ फॉर्मेशन इज प्रोबेबली पॉजिटिव द सिस्टम हैज अ ग्रेटर वाइब्रेशन कैरेक्टर और द सिस्टम हैज नो वाइब्रेशन कैरेक्टर ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो जो एक इंस्टेंट के लिए बनता है यस सर करेक्ट तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो है नहीं हाँ यस सर ए वाला तो सही हो गया बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोबेबली पॉजिटिव है देखो फॉर्मेशन तो पॉजिटिव होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ये कोई डिफरेंस नहीं है ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है यस सर बेंजीन की होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव करेक्ट यस ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ है ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ओके यस सर तो वाइब्रेशनल कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो अगले इंस्टेंट में ब्रेक करता है मतलब एटम सब जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे होंगे ना तभी एक दूसरे को धक्का देंगे यस सर सर 19 क्वेश्चन प्लीज करा सकते हो एडवांस सब्जेक्टिव का तो क्लास में हुआ होगा तो मतलब आपने डिस्कस नहीं किया था सर तब तक अटेम्प्ट नहीं हुआ था पूरा इसलिए तो क्या बोला क्या था 19th प्रॉब्लम इन द चेन रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2 नहीं सॉरी सगल हाँ सर यही है इन द चेन रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2 इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन HBr इक्वल टू 0 इफेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट K इज गिवन बाय K इक्वल टू 2 टाइम्स K2 बाय K3 इनटू K1 बाय K5 रेज टू हाफ कंबाइन दिस रिजल्ट विद द रेनियस कॉन्स्टेंट K इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT टू शो दैट इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन बाय EA इज इक्वल टू EA of 2 minus EA of 3 plus half times EA of 1 minus यार इतना सिंपल प्रॉब्लम है इसमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है मिशन K2 को कैसे लिख लोगे A2 e raise to minus E2 by RT
K3 को कैसे लिखोगे? K3 e raise to minus E3 by RT. A1 को A1 e raise to minus E1 by RT. और K5 को A5 e raise to minus E5 by RT. अब A की सारी टर्म्स एक साथ ले लो. E की सारी टर्म्स एक साथ ले लो. ठीक है? Yes, sir. एक क्वेश्चन है कि N2O5 reacts to form 2NO2 or half O2. Calculate the mole fraction of N2O5 decomposed at the constant volume and temperature if the initial pressure is 600 mm of Hg and pressure at any time is 960 mm of Hg. So mole fraction. इसमें काइनेटिक्स का तो ज्यादा कुछ था ही नहीं. इसका आंसर में मतलब प्रेशर दिया है आंसर में. इनिशियल फ्रैक्शन यस सर. टाइम टी पे ये होगा. यस सर. ये टोटल 960 दिया है. यस सर. पी निकाल लो. फिर मोल फ्रैक्शन पूछा है तो पी अपॉन 600 दे देना आंसर. So P upon 600. भाई 600 में से P रिएक्ट हो गया ना. सर समझा. श्योर सर. एक क्वेश्चन था सर. मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन गिव्स मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. सो ये ट्रू. अच्छा ओके सर. और सर एक स्टेटमेंट था कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ये अराउंड 3 होता है सर. बेटा 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा एक साथ कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है. याचिया स्टेट में पढ़ा था ना मैक्सिमम कोलिजन तो बाई मॉलिक्यूलर होते हैं. यस सर. ठीक है. यस सर. श्योर बोलो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमराइजेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? ऑल आइसोमराइजेशन आर फर्स्ट ऑर्डर. ओके सर. सर क्यों? लेकिन यार ये ऑर्गेनिक में सीखना क्यों? व्हाई ऑल आइसोमराइजेशन? ओके सर. रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो समझ में आएगा. चलो विल स्टॉप हियर. होम असाइनमेंट 1 और 3 कंप्लीट करना. थैंक यू सर.